जो अपनी ये TVS की RTR 310 आई है ना, इसका डिजाइनिंग इस तरह से करा है इतना बढ़िया कि आप पूरा लेआउट देखोगे ना तो उसमें हीटिंग आपको आपके लेग्स पे फील ही नहीं होती है। मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि इतनी महंगी बाइक है उसमें वाइब्रेशन फील हो रही है 80-90 के बाद ही, 100 किलोमीटर के बाद। चीजें हैं जैसे कि ये सीट है ना, ये आप में गैप दिखेगा आपको उसमें ना, जो क्रूज कंट्रोल है इसको एक्टिव कर दिया, स्पीड एक बार हमने सेट कर ली तो आपका क्लच तो छूटा ही हुआ है। आप सोचो आप ऐसे हो, अब आप उसी RPM के अंदर क्विक थ्रॉटल की हेल्प से यहाँ से गियर चेंज कर सकते हो विदाउट एक्सेलरेशन विदाउट क्लच। ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना, मुझे स्ट्रीट फाइटर लुक मजा आ जाता है देखना आगे से। एक्चुअली स्ट्रीट फाइटर बना दिया तो मैं इसको, है बिल्कुल ऐसे बम्बल बी टाइप डिजाइन, खूबसूरत तरीके से आगे DRL वगैरह। खैर ये तो हम रिव्यू कर चुके हैं, कब लिए ये हो गया मेरे को 2 हफ्ते हो गए। कितनी चला ली है? चलाई मैंने 800 किलोमीटर, मेरी रनिंग काफी है ना। अच्छा रनिंग काफी है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रोज की है मेरी। रोज की, वेरी गुड। गियर इंडिकेटर जैसी बहुत सारी नॉर्मल और अच्छी एडवांस चीजें भी है। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करना तो यार, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अभी व्हाइट कलर का चल रहा है, ये रात को कैसा होता है? ब्लैक रात को हो जाता है इसमें, वैसा हो जाएगा आईफोन में नहीं होता डे और नाइट वाला, वैसे सेम हो जाता है इसमें भी। इन्वर्ट इसके अंदर सीट का भी आया ना ऑप्शन? हाँ सीट का आया है, उसके लिए अलग से आपको पैकेज लेना पड़ेगा। एक डायनेमिक प्रो किट है, एक डायनेमिक किट है, तो वो वेंटिलेटेड सीट जब मिलेंगी। बाकी अभी क्या है कि कंपनीज कह रही है कि एक्सेसरीज में भी मिल जाएगा वो। तो डायनेमिक प्रो पैकेज कितने ज्यादा का है इससे? 22,000 रुपए का। 22,000 रुपए का। और दूसरा पैकेज? दूसरा 18,000 रुपए का। अच्छा उसमें सीट मिल रही है वो वाली? सीट उसमें नहीं मिल रही है 18,000 वाले में, 22,000 वाले में मिल रही है। ये इसके ऊपर कवर लगा लिया क्या? हाँ ये कवर है। हाँ। बाकी ये वाले नॉर्मल जैसे एज इट इज ओरिजिनल। ओरिजिनल नहीं वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सेफ रख रहे हैं ना, प्यार है ना, अभी भी नया बच्चा है ना, है ना। चलो सबसे पहले हेडलाइट पे आ रहे हैं भाई। 800 किलोमीटर की ड्राइविंग के अंदर रात को तो चलाइए तुमने, ऑब्वियस है बारिश में भी चलाई होगी, है ना। ये बताओ हेडलाइट का रिस्पांस कैसा है? इससे अच्छी हेडलाइट मेरे को लगी नहीं अभी तक, मतलब बाइक में, नेकेड बाइक में जो इस सेगमेंट में कोई भी, मतलब फेयरिंग में आती है यही। इसका भाई आता है अपाचे RR जो उससे अच्छी है, मतलब उसकी राइड उसमें डबल एलोजन आता है। लेकिन अभी अगर तुम ड्यूक 390 लेटेस्ट जनरेशन देख लो उससे बढ़िया है, मतलब हर चीज से, मतलब एकदम थ्रो ऐसा है ना कार जैसा, लाइट कार जैसा है ना। डुअल LED प्रोजेक्शन नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल LED लाइट है, लेकिन तेज LED लाइट उन्होंने लगा रखी है क्योंकि DRL भी इनके बहुत ज्यादा तेज है। फ्रंट सस्पेंशन का क्या सीन है? फ्रंट सस्पेंशन USD मिलते हैं इसमें आपको, और मतलब काफी स्टिफ है। गटगट की आवाज कोई नहीं, नहीं। कोई ऐसा सा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो गड्ढे-वड्ढे में कुदाने का, या फिर कभी अगर पॉप अप किया हो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। और लेकिन इस वाले सेगमेंट में भी यहाँ पे ये एडजस्टेबल नहीं दिया ना इन्होंने, बहुत सारे पैसे तो ले लिए लेकिन देने अलग से पैकेज वही है ना, वो अलग 18,000 वाला। एक्सेसरी लो या फिर वो वाले बिल्ड टू वो जो है BTO ऑर्डर वो लो भाई। ये बताओ टायरों की क्या रिपोर्ट है? टायर कैसे? टायर एक नंबर टायर है इसके, ये मिशलिन रोड पायलट 5 है, मतलब इनकी जो चिपक है ना रोड पर जो ग्रिप है एक बहुत ही प्यारी है, मतलब। लेकिन इनकी फिर लाइफ भी तो कम होगी ना, वो ये है कि 10,000 किलोमीटर रफली मान लीजिए, जितने ज्यादा सॉफ्ट कंपाउंड के टायर उतनी उनकी लाइफ कम हो जाती है ना। बैठ के दिखाओ हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट है 5.5 और 5.5 वाला बंदा बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर वाले लुक के अंदर आ जाता है। इसमें हैंडल पकड़ो ना, वाओ ये वाला जो स्टांस है ना बिल्कुल स्टिफ होके बैठो आराम से, बिल्कुल जो राइडिंग स्टांस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा भाई शीशे कहाँ इसके? शीशे वो भी मैंने आज ही हटवाए हैं उसको, वैसे मैं लगवाऊंगा बार एंड वाले क्योंकि ऐसा सेफ नहीं है, मतलब लगाने चाहिए वैसे हाईवे वगैरह पे जाते तो, लेकिन वो मैंने अभी इसलिए आए कि वो ना काफी इससे ना बड़े थे। मैकडॉनल्ड वाला लोग आ रहा था इनको येलो वो इसके हाथ, और वो इससे ही बड़े थे, मतलब अपने ये हैंडल बार है ना इससे ही बड़े हो जाते थे आगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था स्ट्रीट में चलने में ना। और वैसे इसका जो हैंडल है एक बार ऊपर से दिखाना, हैंडल इसका बिल्कुल ऐसा ड्रैग रॉड जैसे हैंडल बना है, ज्यादा कर्व नहीं है, बहुत खूबसूरत हैंडल है ये। अगर अगर ऐसे जैसे बाहर की बाइक्स के अंदर पहले ऐसे हैंडल मिला करते थे 32mm यहाँ पे 22mm यहाँ पे, और ये इतने ज़्यादा खूबसूरत हैंडल लगता है ना जब ये, मतलब एक ये रॉड टाइप सी है बस उसको हल्का सा यहाँ पे कर्व दे रखे हैं बजाय वो गंदा सा देने के, बड़ा सा देने के, है ना। ब्रेक बाइटिंग कैसी है इसकी? फ्रंट ब्रेक कैसी? अभी तक तो मेरे को जितनी भी चलाई है मेरे को ब्रेक तो अभी अच्छे लगे, अभी जितने चला रहा हूँ। 800 किलोमीटर बहुत हो गए ना, तो ब्रेक कॉन्फिडेंट है, मतलब एकदम से आपको लगता है कि हाँ रुक जाएगी अगर 100 पे भी हो ना और रुकना चाहते हो। और ये ब्रेक का जो एडजस्टर है ये कितनी बार यूज किया है? ये मैंने अभी मैंने खुद यूज करा है, मेरे थोड़े हाथ देखो छोटे से है ना, तो मैंने खुद छोटे से स्मॉल कर रखा, मेरे हाथ देखो छोटे से है ना। अच्छा तो ये आपने किया हुआ स्मॉल, और इसको हम जितना मर्जी आगे पीछे कर सकते हैं, टाइट करनी है लूज करनी है ऐसा कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे आगे दिखाना, इसमें ये कनेक्ट है, ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ये कनेक्ट किया है अभी तक? हाँ ये कर रखा है ना फोन से डिस्क करके। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके नेविगेशन हो जाती है 10x10 वाली, प्लस आपके फोन कोई आता है कॉल तो उसमें नाम लिखा जाएगा, आप उसको उठाना चाहते हो या डिस्कनेक्ट करना चाहते हो वो भी हो जाएगा यहीं से, और प्लस आप सॉन्ग का कौन सा सॉन्ग चल रहा है आपका वो नेक्स्ट फॉरवर्ड पोज और प्ले हो जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा टैंक दिखाओ इसका,
यार ये फाइबर का टैंक की इन्होंने ऊपर कवरिंग दी हुई है और ये इसको ऐसे करके बना रखा है यहाँ से ये डुअल शेप। बहुत से लोगों को ये अजीब सा लगा बट हाँ जब ऐसी परफॉर्मेंस बाइक बनाते हैं तो फाइबर टैंक भी होना कोई बड़ी बातचीत नहीं है। इसके अंदर तो मेटल का टैंक है बट ऊपर से ये शेप बनाने के लिए ना, क्योंकि मेटल के अंदर इतनी सारी शेप कर्व बनाना थोड़ा सा बड़ा टास्क होता है, तो ये मोल्डिंग होती है प्लास्टिक की, इसको ऊपर कवर कर दिया जाता है, थोड़ा सा सुंदर भी लगता है। सबसे बढ़िया मुझे ऐसे लगते हैं ये फ्रेम, ये जो ट्रेलिस फ्रेम टाइप जो ये फ्रेम बना रखे हैं, पाइप जो दिखते हैं वाइट कलर के, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे इसको लिखा हुआ है हाइपर स्पेक। अब ये कितना BHP प्रोड्यूस कर देती है? ये पहले अभी आज मतलब इसकी मैंने सर्विस करवा ली है तो अब ना ट्रैक मोड खुल गया इसका, ट्रैक और स्पोर्ट मोड। अच्छा खुल गया। जब स्टार्टिंग में आती है तो वो खुला भी नहीं होता है, अर्बन मोड होता है। हाँ। तो अर्बन मोड में जब 28 BHP निकालती थी, लेकिन आज से जब खुला है ट्रैक मोड तो इसमें अब आपको ना 35 BHP मिलती है। अच्छा दिखा रहे हैं एक बार ये, तो स्पोर्ट मोड में और उसमें अब यहाँ पे ये आ गए भाई, ये राइडिंग मोड्स। राइडिंग मोड के अंदर गए अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक और तुम्हारा ये सुपर मोटो। सुपर मोटो तो तुम्हारा ट्रैक वाला मोड खुल गया अब। हाँ। अच्छा अगर इसको हम ऑन करते हैं तो अभी तो मीटर का आप देखना जो उसका OS है ना वो भी चेंज हो जाएगा पूरा, UI सारी चेंज हो जाएगी। स्पोर्ट्स पे करते हैं ब्लैक हो गया, रेन पे करते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें मैं कहता हूं इसे शॉर्टकट है ये, यहां से करके। हां अच्छा स्पोर्ट लग गया ऐसे ऊपर करेंगे फिर आएगा आपका। अच्छा मतलब चलते चलते तुम अपने जो है मोड चेंज कर लो, उसके हिसाब से UI चेंज होएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि UI और कौन से मोड पे। पावर भी ऑब्वियस है, पावर, टॉर्क, तुम्हारा ABS कैसे काम कर रहा है? ABS सही बताऊं तो ABS मेरे को पहले जो मैं बिना ABS वाली बाइक चलाता था मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि पहले Yamaha R15 थी पुरानी V2, उससे मैंने अपग्रेड कराया तो मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। कूलिंग सिस्टम के बारे में बताओ, ट्रैफिक में फंसे, इसमें हीट आई, पीछे हीट मारी, इसने क्या रहा? एक तो 300cc की बाइक है तो हर बाइक, बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि वो हीट कर रही है लेकिन हर बाइक हीट करती है। लेकिन जो अपनी ये TVS की RTR 310 आई है ना, इसका डिजाइनिंग इस तरह से कराया इतना बढ़िया कि आप पूरा लेआउट देखोगे ना तो उसमें हीटिंग आपको लैग्स पे फील ही नहीं होती है, वो निकल जाती है। निकल तो जाती है लेकिन मई जून जुलाई अगस्त में क्या करेंगे, मतलब आपको फील ही नहीं होगी ना उस वहाँ तक, वो आपको फील ही नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से ना बाईपास हो जाती है। अच्छा निकल जाती है, आपके लैग्स पे आएगी नहीं अगर हीट भी होती है। और इतनी हीट हुई नहीं ट्रैफिक में, अभी मैं गुड़गांव जाता हूँ जैसे कि रोज डेली, और आपको पता ही दिल्ली से गुड़गांव का ट्रैफिक कितना बढ़िया लगता है NH8 पे, घंटों खट्टा के रहते हैं, तो उसके बाद भी वहाँ पे जाने के बाद फिर भी मेरे को ऐसा हीट हुआ नहीं, मतलब हुई लेकिन फील नहीं हुआ। टॉप स्पीड कितनी लगाई है अब तक? 142 जब अर्बन मोड था ये, अर्बन पे। अभी ट्रैक में मैंने नहीं करी है, ट्रैक छुआना भाई इनको, ट्रैक मोड मिल गया, अब हाथों में खुजली होती रहेगी कि ट्रैक पे कितना भाग रही है ना, ध्यान से भागना सीधी सीधी। नहीं नहीं वो आराम से सब सेफ प्रिकॉशन के साथ, ड्रैग रेसिस्टर ली हुई है। पेट्रोल टैंक कितने लीटर का है? पेट्रोल टैंक कितने लीटर का? पेट्रोल टैंक है 11 लीटर का। और कितनी माइलेज दे रही होगी ये? दे रही है 28 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर, उसका भी मैंने माइलेज टेस्ट कर। जब हम आराम से चला रहे हैं या फिर जब खींच के भी चला रहे हैं तब भी? मतलब जो सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला सिनेरियो में जब आप खींच नहीं सकते, मतलब उस ट्रैफिक में 28 का दिया, 28 दे रही है। और जहाँ पे हमें खींचनी हो, जहाँ खींचनी है तो वहाँ पे मेरे को लगता है अगर हाईवे वाईवे तो 28-30 का दे देगी। और जहाँ पे हम अगर खुली रोड और आराम से चलाएं इसके नॉर्मल मोड पे तो कितना मिल सकता है एवरेज? जब नॉर्मल मोड पे चलाएं तो 28-30 है, इससे ऊपर नहीं जाएगा जाता मुझे लगता है, 30 से ऊपर कभी जा नहीं सकता, और 25 लास्ट है। साइलेंसर का साउंड भाई, ये सिंगल सिलेंडर हाई कंप्रेशन इंजन और साउंड, इसमें बस मुझे एक ही चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी जब ये बाइक का रिव्यू किया था, तो जरा थ्रॉटल जब देते हैं तो क्या होता है, जब हम थ्रॉटल देते हैं तो ये आराम से जाके वापस पीछे आता है, तो वो क्विक थ्रॉटल वाला इसके अंदर फील नहीं आ रहा था, तो तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अभी ये चीज ना कभी कभी होती है, ये मैंने भी फील करा जो आप कह रहे हो लैग है टोटल में, वो कभी कभी होता है, ये बहुत सारी चीजों में हुआ है, लेकिन इसमें ना कभी होता है कभी नहीं होता। आज मैंने वो सर्विस में एक उठाया था मुद्दा, तो उन्होंने कहा कि करते हैं इस मुद्दा उठा दिया सर्विस सेंटर में जाके रिजॉल्व, तो फिर क्योंकि आप सबके लिए कॉन्टेंट बना रहे हैं, सबको मतलब ये चीज बनाई इसलिए, गाड़ी भी इसलिए ली थी, पहले ले लो और जितने भी इसके अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स आती है रेक्टिफाई करके पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी। बहुत सारी पब्लिक ये वाली बाइक लेना भी चाह रही होगी भाई। इंजन से कोई, इंजन में कोई साउंड वाउंड अभी तक कुछ इनहेंसमेंट है? तुम्हें ऐसा लगा हो कि नॉकिंग साउंड ज्यादा आ रहा है पहली सर्विस से पहले या बाद में कुछ? हाँ। ऐसा क्या मतलब पहले थोड़ा सा मेरे को वाइब्रेशन भी बहुत लग रही थी इसमें, वाइब्रेशन वैसे इस इंजन में है पहले से आती है, वाइब्रेशन तो है। हाँ वाइब्रेशन है इसके अंदर एक तो, और नॉकिंग पहले मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे अजीब सी नॉइस आ रही थी स्टार्टिंग में भी, कट 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 कट, ऐसा लगता कि टैपिट सी आवाज क्या है, तो मेरे लगा इंजन ही खराब हो गया इसमें, कुछ डाल के छोड़ दिया उन्होंने, नेटवर्क खुला रह गया ऐसा लग रहा मुझे। आजकल इंजन खराब होने की रिपोर्टें बहुत मिल रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद फिर आज सर्विस करवाई है, अब चला रहा हूँ मैं इसको,
तो अब इतनी स्मूथ लग रही है मुझे उससे ज्यादा काफी, मतलब उन्होंने टैपिट पे टाइट टूट करके दिए हैं, लेकिन यह है कि टैपिट का इशू इन फ्यूचर आ सकता है क्योंकि एसी मशीन में जो हाई कंप्रेशन होती है और टीवीएस ने जो बनाया है इंजन, इसमें लग रहा है लोगों को कि टैपिट का इशू आ सकता है। तुम्हें नहीं लगा कि यार ये हर एक बाइक के अंदर ये वाला साइलेंसर दे रहे हैं? कोई बातचीत होता है ना, चांद में भी दाग है, वही चांद में ये दाग है। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि रियर ब्रेक और रियर टायर जी कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी जो परफॉर्मेंस है रियर टायर की, एक तो बताया कि टायर दोनों ही बढ़िया है, मतलब आगे भी पीछे भी, और उसका जो वाइड सेक्शन है वो उसकी वजह से इसमें ना लीन करने में भी मजा आता है। हाँ। तो इजिली, और ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग तो एकदम पंच बाइट बहुत बढ़िया है। देखो इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती है, लाइट और प्लस ये जो क्लीन एंड टाइडी जो लुक है ना, ये जो डुकाटी वाला लुक है, ये वाला जो लुक है ना, ये स्लिम, अगर ये नंबर प्लेट यहाँ लगी होती मजा नहीं आता। हाँ। नंबर प्लेट अच्छा हुआ इन्होंने यहाँ पे लगा, टेल टाइडी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बंदे मॉडिफिकेशन कराते हैं, टेल टाइडी लगवाते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और इससे थोड़ा सा ना पीछे से भी इसका पोर्शन थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, बाइक पीछे से भारी लग रही है, अगर टायर छोड़ देते तो पतला सा लगता, और यहाँ पे अगर नंबर प्लेट आ जाती तो इसका ये वाला लुक नहीं बन पाता। तो यार काफी सोचा इन लोगों ने, काफी अच्छे से सोचा। अब चेन दिखाओ एक बार बाइक की, चेन के अंदर कोई साउंड वाउंड लगा तुम्हें 800 किलोमीटर की ड्राइव में? नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ कोई साउंड नहीं, स्मूथ एकदम। और जो इसका क्विक शिफ्ट है ये सही काम कर रहा है, एकदम एक नंबर काम करता है ये, एक नंबर काम कर रहा है। जो ड्यूक 390 आती है ना उससे भी बढ़िया है। और शिफ्ट ऊपर नीचे करने में कहीं पे गियर अटकती है? कहीं भी नहीं। न्यूट्रल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम लगती है? देखो न्यूट्रल फाइंड करने में भी नहीं प्रॉब्लम लगती, अगर जिसको यूज हो जाए तो वाली चीज है, इसमें न्यूट्रल फाइंड में भी दिक्कत। चलो ये तो नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने कर दी। अब आप बताओ 800 किलोमीटर के अंदर क्या ऐसी चीज है जो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आनी चाहिए जो कंपनी सुने? सबसे पहला है वाइब्रेशन, जो इसकी वाइब्रेशन है ना, मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि इतनी महंगी बाइक है उसमें वाइब्रेशन फील हो रही है 80-90 के बाद ही, 100 किलोमीटर के बाद ये वाइब्रेट करने लग जाता है। और खींचते भी ना, अगर आरपीएम 5,000 से 6,000 आरपीएम में जाएंगे, चाहे स्पीड आपकी कमी हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, और ये ना नॉइस ज़्यादा करती है। मतलब शायद अपाची का ये वो है कि अपने एग्जॉस्ट ना अच्छे करने के चक्कर में नॉइज ही बनाते हैं अपनी गाड़ी। तो 4-5 हज़ार के अंदर भी तो इसके अंदर वो दिक्कत आती है कि आप आवाज़ ज़्यादा करती हो, आपको फील होता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो एग्जॉस्ट नोट बढ़िया कर रखी है वैसे। तो एग्जॉस्ट नोट बढ़िया है या फिर एक्चुअल में ये वाइब्रेट कर रही है 100 पर, क्योंकि जब मैंने ये चलाई थी तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट तो कर रही है, वाइब्रेट करती है, वो चीज़ में इंप्रूवमेंट चाहता हूँ एक तो, प्लस एक जो लैग वाला जो चीज़ बता रहे हैं ना, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है इसका, इसके अंदर थोड़ा सा लैग, वो कभी कभार आता है। हाँ वो पता नहीं हीट होने पाता जो भी आता है। हाँ। लेकिन है तो मतलब चीज बेकार है, तुमने पैसे दिए 3.5 लाख रुपए। कितने की पड़ी है ये दिल्ली नंबर? ये मतलब दिल्ली में 3,08,000 रुपए की थी, ये येलो फ्यूरी वाला कलर। अच्छा, फिर 3,08,000 रुपए देने के बाद कुछ और भी दिया है? नहीं मैंने ये फाइनेंस पे करवाई थी वैसे तुम तो, मतलब इसमें मैंने डाउन पेमेंट वगैरह करवा के जब लिए, इंटरेस्ट वगैरह मिला के। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है इसमें मिला वाले की, ये ऑन रोड प्राइस बताया 3 लाख। तो ये जो तुमने शीशे निकाले हैं इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि कंपनी को बार एंड मिरर ही लगा के देनी चाहिए थी या फिर वो ठीक है? ऐसा कोई कंपनी शायद करती नहीं है इंडिया के अंदर, स्ट्रीट फाइटर में नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, रूल्स रेगुलेशन नहीं, बोबर में आते हैं आपको 42 में मिल जाते हैं बोबर के अंदर, लेकिन इसके अंदर करने चाहिए वो बार एंड देना अलग लुक आता है। और कुछ ऐसा? और ऐसा ये कि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश बोलूंगा, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये सीट है ना, ये आप में गैप दिखेगा आपको उसमें ना। हाँ, वो मैं चाहता था कि ये, और अंदर की रबड़ भी दिख रही है भाई। हाँ मतलब ये गैप, मतलब इतना टीवीएस को थोड़ा ये तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अगर फ्लैगशिप बाइक बना रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम लोग बाइक ऊपर से देखोगे, यहाँ से घुस के कौन दिखता है, लेकिन वो हम देखेंगे। जब बंदा साफ करता है ना अपनी बाइक को वॉश करने के बाद, तब वो हर एक चीज देखता है। डाई हार्ड लवर। और जब बंदे हम लोग जब पॉलिश करते हैं, जब क्लीन करते हैं, तो एक एक नट बोल्ट तक उसको क्लीन और पॉलिश किया जाता है, उसके बाद देखते हैं। तो और क्या लगता है कि ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा तो अच्छा ही है, बट जो आपने बताया बस सिर्फ उतना ही है। और लुक्स में तो मतलब ये और ये दाग बताया था ना, चांद में भी दाग है, तो लुक्स में तो ये एग्जॉस्ट तो चेंज हो सकता है। हाँ। लेकिन बट ये कि ज्यादातर लोग अब चेंज कराने रहे क्योंकि चलान बहुत है, 10,000 रुपए चलाने एग्जॉस्ट अच्छा भी नहीं है, मतलब जो रूल से खिलाफ चलना ना। ये बहुत बढ़िया बात कर दी सच में। तो जो बंदे के पास 3,10,000 रुपए हैं वो ये बाइक ले सकता है आग बंद करके, ऐसा है, अगर इन प्रॉब्लम को इग्नोर करे तो। हाँ, अगर आप इसका बीटीओ वर्जन नहीं ले रहे, डायनेमिक प्रो किट या डायनेमिक वाला, तो आप इस पे जा सकते हो बिल्कुल। और ये जो है जैसे इस सेगमेंट की काफी सारी बाइकों से बेटर है, क्योंकि इसके अंदर एक मोड है, थोड़ी पास आके दिखाओ, वो है भाई ये क्रूज कंट्रोल। ये क्रूज कंट्रोल यूज किया अभी तक? बिल्कुल कराए जी। कितना यूज किया इसको? इसमें मतलब मैं जैसे हाईवे पे जाता हूँ तो मैं 70 पे सेट कर लेता हूँ इसको आराम से, और जब लॉन्ग स्ट्रेच होता है तो अपना आपको कुछ अपना एक हैंड रिलैक्स कर लो और हम चलते रहो। तो ये वन टाइम में सेट हो रहा है?
वन टाइम में सेट होता है, हो रहा है सेट, बिल्कुल वन टाइम में सेट होता है बिल्कुल, और ऐसा ऑटोमेटिक कार वाली फीलिंग आती है इसमें, क्योंकि गियरलेस क्यूब शिफ्टर है तो गियर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं बिना उसके, ऑटोमेटिक स्पीड चल रही है तो पूरा ऑटोमेटिक वाला फील है ना। तो तुम्हें थ्रॉटल बंद करना, इसका एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ी पास आकर दिखाओ, जब हम कहीं पे राइड कर रहे हैं और हमने ये जो क्रूज कंट्रोल है इसको एक्टिव कर दिया, स्पीड एक बार हमने सेट कर ली, तो आपका क्लच तो छूटा हुआ है, आप सोचो आप ऐसे हो, अब आप उसी आरपीएम के अंदर क्विक थ्रॉटल की हेल्प से यहाँ से गियर चेंज कर सकते हो विदाउट एक्सेलरेशन विदाउट क्लच। तो ये बिल्कुल ऐसा सा सीन है कि आपको अगर बहुत लंबे टूर पे जा रहे हो ना तो बस एक अपने थ्रॉटल सेट करके छोड़ दिया उस पर, आप अपने शिफ्ट करते रहो डाउन भी करते रहो तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन, ये जो इसके अंदर मिला है फंक्शन, ये भाई इसके सारे नंबर लेके जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे हो, सारे नंबर इसके ही हैं। हाँ। और वैसे लुक्स के भी हैं। हाँ, लुक्स के भी हैं ऑब्वियस है, लेकिन क्रूज कंट्रोल दे देना इस सेगमेंट के अंदर 3,10,000 रुपए की मोटरसाइकिल में नहीं आता। अब अभी नहीं दे रही है कंपनीज, लेकिन इसको जैसी निकाल दी और जैसी ज्यादा फेमस हो गई तो और कंपनीज भी देने लग जाएंगी, है ना। तो चलो जी, आज यही था एक छोटा सा वीडियो इस बेचारी अपाची येलो कलर की बीस्ट स्ट्रीट फाइटर का। अगर आपको लेनी है तो ऐसे एक वीडियोस देखने जरूरी है जिसके अंदर पता चलता है कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे कुछ भी लेके, बाकी इंस्टाग्राम पे आके अपडेट्स दे सकते हो। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।